हेलो गाइस, वेलकम टू कोरिडोन। माय नेम इज अस्नाश किलर। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के एक न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड लीनियर लेआउट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लीनियर लेआउट होता क्या है। तो लीनियर लेआउट एक ऐसा व्यू ग्रुप है जिसके अंदर हम व्यूज को एक डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर सकते हैं। मीन्स या तो हम व्यूज को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं और या फिर हम व्यूज को वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपनी डॉट एग्जाम्पल फाइल के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने एक लीनियर लेआउट को ऐड कर लिया है और जो इसकी डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है वो अभी हॉरिजॉन्टल आ रही है। तो अब मैंने यहाँ पर एक व्यू को ऐड कर लिया जिसके अंदर जो कंटेंट अभी ओके है। तो जैसे ही मैं इस व्यू को नीचे डुप्लीकेट करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे जितने भी व्यूज़ अब ऐड होंगे वो हॉरिजॉन्टली ऐड हो रहे हैं। इसी तरह अगर मैं जितनी मरतबा इस व्यू को डुप्लीकेट करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे व्यूज़ हैं वो एक डायरेक्शन के अंदर मीन्स हॉरिजॉन्टली अलाइन होते जा रहे हैं। तो अगर हम अपने व्यूज़ को वर्टिकल अलाइन करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर मैं ओरिएंटेशन को चेंज करके वर्टिकल कर दूँगा। और अब अगर मैं अपने व्यूज़ को डुप्लीकेट करूँ तो अब वो जितने भी व्यूज़ हैं वो इस तरह वर्टिकल अलाइन होंगे। तो यहाँ पर मैंने ओरिएंटेशन को वर्टिकल कर दिया और अगर मैं अब इनको कंट्रोल डी करता जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक एक करके वर्टिकल एक दूसरे के नीचे आते जा रहे हैं। तो गाइस, ये था हमारा लीनियर लेआउट का कॉन्सेप्ट और अब हम लीनियर लेआउट को यूज़ करके एक लेआउट को बिल्ड करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर अभी हम इस लेआउट को बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग लीनियर लेआउट। सबसे पहले हमें एक इमेज व्यू की नीड है, तो मैं यहाँ पर एक और लीनियर लेआउट बनाऊँगा जिसकी ओरिएंटेशन अभी के लिए मैं वर्टिकल रखने वाला हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा लीनियर लेआउट और इसकी विड्थ में यहाँ पर मैच पेरेंट और जो इसकी हाइट होगी वो मैं यहाँ से रैप कंटेंट को सेलेक्ट कर लूँगा। और इसकी यहाँ पर मैं ओरिएंटेशन बतानी पड़ेगी तो वो ओरिएंटेशन मैं यहाँ से इसको वर्टिकल कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ओरिएंटेशन और उसके अंदर वर्टिकल को सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसके अंदर हमें एक इमेज चाहिए तो मैं डिज़ाइन टैब के अंदर जाऊँगा और यहाँ से अभी हम इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले हैं। मैंने यहाँ से इमेज व्यू को ड्रैग करके ड्रॉप कर लिया है और यहाँ पर ये एक डायलॉग सा ओपन होने वाला है जिसके अंदर हमने अपनी इमेज को सेलेक्ट करना है जिसको हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो डायलॉग आ गया और यहाँ से हम इस इमेज को सेलेक्ट करने वाले हैं कोरिडोन इमेज को और ये जो इमेज है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो अभी हम इसकी विड्थ हाइट को चेंज करने वाले हैं। तो इमेज व्यू की विड्थ को मैं 100 dp कर दूँगा मैच पेरेंट की बजाय और हाइट को मैं रैप कंटेंट की बजाय यहाँ से इसे भी 100 dp कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इमेज व्यू है वो यहाँ पर टॉप के अंदर आ चुका है। तो अभी मैं इसे यहाँ पर सेंटर में करना चाहता हूँ। तो एक तो हम इसे लेफ्ट से मार्जिन दे सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है लेआउट ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम इसकी ग्रेविटी बता सकते हैं कि इसे सेंटर में आना है राइट में आना है। तो अगर मैं यहाँ पर सेंटर करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे इमेज व्यू है वो सेंटर में आ चुका है। इसी तरह अगर हमने इसको राइट में करना तो मैं यहाँ पर राइट कर दूँगा। तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमारी इमेज व्यू है वो राइट में चली गई है। तो मैं यहाँ से अभी इसे क्या करने वाला हूँ, सेंटर सेलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि हमने अपनी इमेज को यहाँ पर सेंटर के अंदर शो करवाना है। तो ये हमारी जो इमेज व्यू आ गई है उसके बाद हमने एक टेक्स्ट हमें यहाँ पर चाहिए तो मैं यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट व्यू ले लूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये आ चुका है। तो अब हम इसके थोड़ी स्टाइलिंग देने वाले हैं। तो एक तो मैं टेक्स्ट को चेंज करके यहाँ पर इसे कर दूँगा साइनअप। उसके बाद हम इसके टेक्स्ट साइज़ को चेंज करने वाले हैं। मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट साइज़ और टेक्स्ट साइज़ को मैं चेंज करके कर दूँगा 30 sp। और जो इसका टेक्स्ट कलर है वो भी हम यहाँ से चेंज करके उसको हम करने वाले हैं ब्लू। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा टेक्स्ट कलर और इसको चेंज करके मैं यहाँ पे कर लूँगा ब्लू। तो यहाँ पर हमने इसके टेक्स्ट कलर को ब्लू कर लिया, इसके साइज़ को चेंज कर लिया और इसकी विड्थ को अभी के लिए हम मैच पेरेंट की बजाय रैप कंटेंट रखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ को भी चेंज कर दिया। तो गाइज, इसके स्टाइलिंग भी इसको हमने जो इसका टेक्स्ट स्टाइल है उसको हमने चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली टेक्स्ट स्टाइल। तो इन तमाम प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर देख लिया है और उसके बाद मैं यहाँ से इसको बोल्ड कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट स्टाइल है वो भी अप्लाई हो चुका है। तो इसको भी हमने सेंटर में करना है तो हम यहाँ पर ये जो ऊपर हमने लेआउट ग्रेविटी सेंटर किया था उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर कॉपी करके टेक्स्ट व्यू के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है वो भी सेंटर में आ जाएगा। और अब हमें ये बिल्कुल जो हमारी इमेज व्यू है उसके साथ चिपक गया है। तो इसको थोड़ा सा नीचे करने के लिए हम मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ मार्जिन टॉप, वो मैं दे दूँगा 15 dp का। तो अब ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है। तो अब हम नीचे कुछ हमें एडिट टेक्स्ट की ज़रूरत है तो वो मैं यहाँ से सिंपली लिखूँगा प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पर मैंने एडिट टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है और उसके बाद ये जो एडिट टेक्स्ट हैं वो आ चुके हैं। तो अब सिंपली इसके टेक्स्ट को मैं चेंज करके कर दूँगा हिंट और यहाँ पे कर देंगे एंटर योर नेम। तो गाइज, अब हम इसको थोड़ा सा मार्जिन देने वाले हैं। तो हम यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमने
चार साइडों से मार्जिन देना। तो सिंपली हम यहाँ पे मार्जिन लिखने वाले हैं और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा 20 dp। तो उसको 20 dp का जो मार्जिन वो मिल जाएगा। तो इसको हमने एक बैकग्राउंड भी देना, तो वो बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा बैकग्राउंड, इसके अंदर जो मैंने फाइल बनाई हुई है उसका यहाँ पर मैंने नेम देना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड और इसके अंदर मैं अपनी फाइल का नेम दे देता हूँ। तो वो जो फाइल है वो एडिटेक्स बैकग्राउंड के नाम से है, तो वो यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया है। तो गाइस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको वो बैकग्राउंड मिल चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर तो हमने देखा था कि अगर हमने 22 किसी भी व्यू को 22 स्पेसिंग देनी है तो हम मार्जिन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमने अपने व्यू को अंदर से स्पेसिंग देनी है तो वहाँ पर हम पैडिंग का यूज़ करते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर पैडिंग देने वाला हूँ, तो पैडिंग मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं 20 dp की देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको जो अंदर से स्पेसिंग मिल चुकी है। तो यहाँ पर मैंने इसको 15 dp की जो पैडिंग दे दी है, और इसी टेक्स्ट जो ये जो हमारी एडिट टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से करने वाला हूँ कॉपी और नीचे पेस्ट कर दूँगा। और अभी हम सिंपली इसके हिंट को चेंज करेंगे, तो नीचे हम एंटर योर नेम और ये एंटर योर ईमेल और पासवर्ड के लिए हमने यहाँ पर इसे डुप्लीकेट कर लिया। मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर योर ईमेल और उसके बाद यहाँ पर नीचे हमें एंटर योर पासवर्ड लिख दूँगा। तो गाइस ये हमने कुछ एडिट टेक्स्ट बना रही हैं। तो अब हमने इतना काम तो कर लिया कि इसके अंदर हमारे पास एक ऊपर टेक्स्ट ना मतलब एक इमेज आ रही है, ये टेक्स्ट आ रहे हैं और 3 एडिट टेक्स्ट आ रहे हैं। तो अब हमें एक इस टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत है और नीचे हमें एक हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा व्यू और वो सिंपली हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इसको टेक्स्ट व्यू को इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। तो ये जो टेक्स्ट व्यू है वो हमारे लीनियर लेआउट जिसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है उसके अंदर आ चुका है। और अब हम इस टेक्स्ट व्यू को थोड़ी सी स्टाइलिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी विड्थ को कर देंगे रैप कंटेंट। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ रैप कंटेंट और इसकी विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगी। तो वो तो गाइस यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ को चेंज करके रैप कंटेंट कर दिया है और इसके टेक्स्ट को कर देंगे और साइन अप विथ। और गाइस इसके बाद हमने यहाँ पर इसको ग्रेविटी देनी है ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगा लेआउट ग्रेविटी और उसके अंदर सेंटर पास कर दूंगा, तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ लेआउट ग्रेविटी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लेआउट लिखूंगा और ये स्टेशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है, मैं यहाँ पर लेआउट ग्रेविटी को सिलेक्ट करने वाला हूँ और इसके अंदर मैं सेंटर को पास कर लूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे लेआउट के अंदर ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर के अंदर चला गया है। और उसके बाद मैं इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा टेक्स्ट साइज और उसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल 18 sp मैंने पास कर दिया। तो यहाँ पर हमारे लेआउट के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका टेक्स्ट साइज जो है वो चेंज हो चुका है। तो गाइस अब हम एक नीचे लीनियर लेआउट लेने वाले हैं जिसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगी और उसके अंदर वो हमारे 3 आइकन आ रहे होंगे। सिंपली जैसे हमने एक वर्टिकल लीनियर लेआउट बनाया था, इसी तरह हम यहाँ पे एक लीनियर लेआउट बनाने वाले हैं हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन वाला। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लीनियर लेआउट और इसकी जो विड्थ हाइट होगी वो भी होगी मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। और उसके बाद जो इसकी ओरिएंटेशन होगी वो हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे क्योंकि जो हमने आइकन है उनको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन को हॉरिजॉन्टल रखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लीनियर लेआउट और सजेशंस के अंदर इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद अब मैं इसकी विड्थ हाइट को सेट करने वाला हूँ, तो जो विड्थ हाइट है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा मैच पेरेंट। और जो इसकी हाइट है वो मैं यहाँ पर रैप कंटेंट देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ रैप कंटेंट। तो ये हमने एक लीनियर लेआउट बना लिया और यहाँ पर अब हम इसकी ओरिएंटेशन सेट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे ही ओरिएंटेशन लिखूंगा सजेशंस के अंदर ओरिएंटेशन आ चुका है और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल करने वाले हैं। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन को मैंने हॉरिजॉन्टल रख लिया और उसको टॉप से थोड़ा सा मार्जिन देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप लिखने के बाद मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसे 15 dp का दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 15 dp। और ये हमने एक लीनियर लेआउट बना लिया। तो अब हम इसके अंदर इमेजेस को ऐड करने वाले हैं, तो वो भी हम सिंपली यहाँ पर ही जाने वाले हैं डिज़ाइन टैब के अंदर और यहाँ से इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और सबसे पहले मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ गूगल को। तो यहाँ पर मैंने गूगल की पिक्चर ऑलरेडी गूगल से ही डाउनलोड कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी पिक्चर है वो आ चुकी है। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसकी वेबसाइट को चेंज करके 50 dp कर दिया है और इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट से मार्जिन देने वाला हूँ ताकि ये थोड़ा सा इधर हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्जिन लेफ्ट। जैसे ही मैं ये एक शॉर्टकट की है जैसे MRA मीन्स मार्जिन और आगे अगर लेफ्ट लिखना है तो आपने L लिख देना है, इस तरह राइट लिखना है तो R। तो मैं यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट के अंदर इसको दे दूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल 50 dp का। तो ये जो हमारी इमेज है वो उसको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाएगा लेफ्ट से। तो गाइस अभी मैं गूगल की इस पिक्चर को डुप्लीकेट करने वाला हूँ, तो मैं इसको ही सिलेक्ट कर लूँगा
और नीचे हम SRC को चेंज करते जाएंगे। और मैं यहाँ पे मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर गूगल को कर दूंगा फेसबुक। तो ये सारे आइकन आपको flaticon.com से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गूगल को चेंज करके कर दिया फेसबुक, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिंक्डइन का भी मेरे पास आइकन है, तो वो भी मैं यहाँ पे इसको दोबारा डुप्लीकेट करके उस यहाँ पे चेंज करके लिंक्डइन कर दूंगा। तो ये जितने भी आइकन है वो हमारे लेआउट फाइल के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ लिंक्डइन। यहाँ पर मैंने इमेज को डुप्लीकेट करके उसके SRC को चेंज कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक बटन लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा बटन। और उसके बाद मुझे इसकी विड्थ हाइट को सेट करना है, तो वो भी हम सिंपली अभी के लिए मैच पैनल इसकी विड्थ को रखने वाले हैं, और जो इसकी हाइट होगी उसे हम रैप कंटेंट रखने वाले हैं। तो विड्थ को मैं यहाँ से चेंज करके कर दूँगा मैच पैनल, और जो इसकी हाइट है उसको हम यहाँ से कर देंगे रैप कंटेंट। इस तरह ये हमने एक बटन बना लिया है। और उसके बाद हमें इसके अंदर जो टेक्स्ट रखना है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन अप। तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट रख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट रख सकते हैं, क्योंकि अभी हम साइन अप लेआउट बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए रखूँगा साइन अप। ओके गाइज, तो अभी हमने क्या करना है, एक तो उसको थोड़ा सा मार्जिन देना है। तो मार्जिन देने के लिए मैं यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, क्योंकि हमने चारों साइड से देना है। तो मैं सिंपल सिर्फ मार्जिन लिखने वाला हूँ। तो मार्जिन लिखने के बाद मैं यहाँ पर आपने मार्जिन बता देना है कि कितना इसको देना है। तो मैं लेआउट मार्जिन के अंदर 20 dp का इसको जो मार्जिन है वो दे दूँगा। उसके बाद इसको मैं 20 dp का जो है वो मार्जिन दे लिया है। और अब मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहता हूँ। तो अभी तो वो कुछ पर्पल कलर का आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ बैकग्राउंड टिंट, और उससे हम इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड और टिंट, और इसके अंदर आपने कलर बता देना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कलर ब्लैक को सिलेक्ट करूँ, तो जिसका वो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सजेशन के अंदर से मैंने कलर ब्लैक को सिलेक्ट कर लिया, और ये जो इसका कलर है वो चेंज हो चुका है गाइस। तो गाइस, तो इस तरह से हमने एक लीनियर लेआउट को यूज़ करके एक सिंपल सा लॉगिन डिज़ाइन बनाया। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।